मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं रेडी हूँ, क्योंकि जो मेरा पिछला व्लॉग था आप लोगों ने देखा होगा, उसमें सुना होगा मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट व्लॉग में शायद कहीं घूमने जाए, तो हम लोग घूमने जा रहे हैं। और तो आपको आगे आगे मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। और आज आप मेरा सूट देखो, ये सूट मेरे को किसी ने गिफ्ट किया है। मैं नाम तो नहीं ले सकती किसने गिफ्ट किया है। उनने मुझे ना सिर्फ पैसे दिए थे कि तू इसका सूट ले लियो, और उनने बताने को भी मना किया है। तो मतलब मेरे मायके की तरफ से नहीं है, प्रिंस की तरफ से है, तो वो समझ गए होंगे कि किसने दिया है। तो मैंने उनके उन पैसों से ये सूट लिया है। उनने कहा था कि पैसे तो तेरे खत्म हो जाएंगे, तू सूट ले लियो। तो मैंने ये सूट लिया है, मेरे को बहुत सुंदर लगा ये सूट, और देखो सुंदर है। तो आपको आगे आगे हमारे साथ ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैं सब आपको आगे दिखाती हूँ। हम पहुँच गए हैं कंडा घाट, और आज इतना जाम लगा हुआ है, ये देखो यहाँ कितना जाम लगा है। ये जाम इसलिए लगा है ना, क्योंकि जो राम जी की जो प्रतिष्ठा है अयोध्या में, तो उसके लिए यहाँ पे भी कंडा घाट सोलन में मतलब जगह जगह पे गाड़ी रोक रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं, हलवा दे रहे हैं, और पूरा बाजार ऐसा सजा हुआ है जैसे दिवाली के लिए होता है ना वैसा। और ये देखो ये दोनों कैसे देख रहे हैं, ये दोनों प्रिंस के ठेकेदार जी हैं। तो हम जैसे आ रहे थे तो इन्हें बोला कि हमारे को भी सोलन तक ड्रॉप कर दो, ये अपने घर जा रहे हैं। तो और प्रिंस ड्राइविंग, अनायतू मम्मा और प्रिंस ब्लू बने हैं। तो अब ऐसा है जी कि मैं चल पड़ी हूँ अपने फ्रेंड के घर, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया था, अलीशा को, तो वो सोलन में रहती है। तो मैंने उसको पूछा क्या कर रही है, मैं यहाँ सोलन पहुँची हूँ, तो कह रही है कि मैं बीमार हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो अब मैं थोड़ी देर उससे मिलने जाऊँगी, आधे इतने घंटे उसके पास बैठूँगी और फिर चल पड़ेंगे जहाँ मुझे जाना है, और वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो चलो उसके घर चलते हैं और मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो मेरी फ्रेंड अलीशा, हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, मतलब संजू की शादी में मिले थे, टाइम आई। नमस्ते जी, नमस्ते। संजू की शादी में मिले थे और तो यार कैसे कैसे मिल रहे हैं, और हम साथ पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज स्कूल में भी शिमला में, तो तब से आप मिल गए, इसके भी बच्चे हो गए, मेरी भी बेटी हो गई। बहुत मजे किया हमने स्कूल में, मतलब स्कूल के बाद एक दूसरे के घर जाना रात भर, बहुत मजे किए यार। एडविक, क्या नाम है? ये बताया नहीं रहा। और ये देखो, हेलो, आपका क्या नेम है? अनवी दत्ता, ये इसकी बेटी। और अनायत के फ्रेंड्स बन गया, ये कैरम बोर्ड खेलने लग गए हैं। और ये है जीजू। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, हम चल पड़े अब वापस, और रात होने वाली है, 6 बज गए शायद। और मेरे को अपनी फ्रेंड से मिलकर बहुत अच्छा लगा आज, बहुत ज्यादा। हमारे को ना रास्ते में मंदिर मिल गया था, आज हम मंदिर ही नहीं गए थे सुबह से, और आज तो मंदिर जाना बहुत जरूरी था, लोग अयोध्या चले गए, मंदिर ही नहीं गए। तो यहाँ कुमार हट्टी के साथ साथ में ही मंदिर है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये प्रिंस सर अनायक। हम जी जावली पहुँच गए हैं, ये देखो यहाँ है इशा स्वीट्स, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, यहाँ बहुत ही अच्छी स्वीट्स बनती है। सुनो प्रिंस, ऊपर क्यों जा रहे हो आप? तो प्रिंस खा रहे हैं यहाँ पे गोलगप्पे। आपको अच्छे लगते हैं यहाँ के गोलगप्पे? हाँ, अच्छा। और अब हम रास्ते में कहीं नहीं रुकने वाले, अब हम डायरेक्ट वहीं पर निकल जाएंगे जहाँ हमने पहुँचना है। प्रिंस ने कभी कुछ खाना है, कभी कुछ खाना है, आपने खाना है, तो अब वहीं मिलते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ हमें जाना था, लिखा है जय श्री राम। यहाँ देखो, हमने इनके घर आना था, मंजू दीदी के घर। नमस्ते जी, जीजू। और क्या बोलते हैं, इनके लिए भी सरप्राइज है, ये मेरे बड़े दीदी है मंजू दी, शिनाई इनका बेटा, गॉड ब्लेस यू।
ये देखो जी मंजू दीदी और जीजू लग गए जी सेवा में, डिनर की तैयारी हो रही है। और ये लोग ना मतलब गेस्ट की इतनी सेवा करते हैं ना, बिकॉज जो ऐसा मत समझना तारीफ कर रही हूँ, ये मतलब दोनों गेस्ट की इतनी सेवा करते हैं, चाहे आप एक बार आओ, दस बार आओ, मतलब या बार बार आओ, स्पेशली फील कराते हैं आप लोग क्यों ऐसे मतलब। और जो लोग इनके घर आते हैं उनको पता होगा और व्लॉग भी देख रहे होगे कि कितनी सेवा करते हैं। कुछ बोलना चाहोगे आप लोग? सब लोग करते हैं सेवा, मेहमानों की सेवा करना, भगवान की सेवा करने का आप अपनी सोच है, मतलब आप अपनी सोच है, पर आप लोग तो सच। आप लोग तो अपने कितने आते हो? हम नहीं, जितने भी सब बोलते हैं हम नहीं। आप लोग के घर कोई भी आएगा आपकी तरफ से या मस्जिद की तरफ से, मतलब बहुत 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 धन्यवाद जो इस तरह की बोलते हैं। नहीं सच में, सच धन्यवाद। आप लोग हो इस लाइक तभी ना, क्योंकि चंडीगढ़ में मतलब बहुत मुश्किल होता है इतना सब कुछ करना। और मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ बनाते तो ये है। एक बार मैं बीमार थी तो मतलब होता है ना बीमारी में आपने कुछ नहीं खाना है, फिर भी मेरा ऐसा था कि नहीं 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 मुझे दीदी खिचड़ी पक्का बना दियो, मतलब इनके हाथ का बहुत टेस्टी लगता है। आज मजे आने वाले हैं हमारे। डिनर करने इतने टाइम बाद हम मिल रहे हैं और अब डिनर का आनंद लेते हैं। इतना टेस्टी टेस्टी डिनर अपने हाथ का बना हुआ, वेरी टेस्टी। तो डिनर वगैरह हो गया है और अब सोने की तैयारी है। बहुत थक चुके हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि जगह जगह रुके हैं तो इसलिए बहुत लेट हो चुके हैं। 12:30 कुछ टाइम हो चुका है और मेरे अपनी दीदी के घर आना था। ये पंचकुला में रहते हैं, मेरी बड़ी दीदी है, एक ही सिस्टर है मेरी, एक मैं और मेरी दीदी और एक मेरा भाई है, वो हमारे से छोटा है। तो और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि बहुत थक चुके हैं हम लोग। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।